हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन गवर्नमेंट जॉब पोर्टल्स में। आज हम आपके लिए बहुत ही बड़ी भर्ती लेके आए हैं। इस वीडियो को पूरा देखने से पहले हमारा यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन आप दबा दीजिए, जिससे आपको सारी वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप अपडेटेड रहें। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं। BHEL भर्ती 2020 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और यहाँ पे ट्रेड अप्रेंटिस पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकली है, जिसमें कि टोटल 550 पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। अगर आपने 10th पास किया है, आपने ITI किया है, तो आप इस पोस्ट के लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। और बेसिकली जो ये नोटिफिकेशन आउट किया है, BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने ये नोटिफिकेशन आउट किया है और ऑल ओवर इंडिया बेस्ड जॉब रहेगी, कहीं से भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो लास्ट डेट रहेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन का, वो 31 जनवरी 2020 का रहेगा। तो ऑल बेसिकली इसका जो एप्लीकेशन मोड रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा। इस वीडियो में दोस्तों आप अंत तक मेरे साथ बने रहिए, जिसमें कि आपको मैं सारी डिटेल प्रोवाइड करूंगा, आपको कैसे अप्लाई करना है, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसीजर है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कैसे आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। तो आइए चलते हैं, आपको मैं जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उस पर लेके चलता हूँ। ये आप देख सकते हैं, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये। यहाँ पे जो नोटिफिकेशन रिलीज किया है, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने ये नोटिफिकेशन रिलीज किया है और बेसिकली ये सेमी गवर्नमेंट कंपनी है, PSU कंपनी हम बोल सकते हैं, पब्लिक सेक्टर प्राइवेट कंपनी, तो भारत सरकार की ये कंपनी है। और ये BHEL आप देश की ये काफ़ी बड़ी कंपनी है जो गवर्नमेंट के अंडर काम करती है, जिसके कि यहाँ पे 17 विभाग हैं और अलग अलग क्षेत्र में काम करती है। और जो वैकेंसी निकली है, ये जो अप्रेंटिस एक्ट है 1961 के अकॉर्डिंग ये वैकेंसी निकली है, जो कि 2020 और 21 के लिए निकाले गए हैं, जिसमें कि ट्रेड अप्रेंटिस का 1 साल का यहाँ पे प्रशिक्षण होगा। आवेदन हेतु यहाँ पे आमंत्रित किया गया है, तो यहाँ पे ट्रेड जो है और उनके लिए पोस्ट है। तो यहाँ पे जो यहाँ पे नोटिफिकेशन निकला है, जो विद्युतकार है, इलेक्ट्रीशियन के लिए यहाँ पे टोटल 140 पोस्ट निकले हैं और फिटर के लिए यहाँ पे 140 पोस्ट हैं, मशीनिस्ट कंपोजिस्ट के लिए यहाँ पे 57 पोस्ट हैं, वेल्डर गैस इलेक्ट्रिक के लिए यहाँ पे 5 पोस्ट हैं और टर्नर के लिए यहाँ पे 35 पोस्ट हैं, कंप्यूटर के लिए यहाँ पे 70 पोस्ट है और ड्राफ्टमैन मैकेनिक के लिए यहाँ पे 10 पोस्ट हैं। बात करो दोस्तों मैं इसमें जो आगे जो पोस्ट हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए जो पोस्ट है, यहाँ पे ये मशीनिस्ट एक इलेक्ट्रॉनिक मोटर व्हीकल के लिए यहाँ पे 6 पोस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए यहाँ पे 6 पोस्ट है, मशीनिस्ट ग्राइंडर के लिए यहाँ पे 10 पोस्ट है, मैसन के लिए यहाँ पे 8 पोस्ट है, पेंटर सामान्य के लिए यहाँ पे 5 पोस्ट हैं, कारपेंटर के लिए यहाँ पे 8 पोस्ट हैं, प्लम्बर के लिए यहाँ पे 10 पोस्ट हैं। तो टोटल यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ 550 सीटें हैं। और यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है, आप देख सकते हैं कि कोई भी कैंडिडेट जो 10वीं पास है, इसने हाई स्कूल पास किया हुआ है और उसके पास NCVT द्वारा मान्यता प्राप्त आपने ITI किया हुआ है और सामान्य पिछड़ा वर्ग से कोई उम्मीदवार है, तो उसके लिए यहाँ पे 60% अंक मांगे गए हैं और जो अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए उन पर 55% मांगे गए हैं। और जो कैंडिडेट ने ITI किसी कंपनी में कर लिया, जिन्होंने अप्रेंटिसशिप कर चुके हैं, वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और किसी भी जिस कैंडिडेट ने 1 साल से ज़्यादा जिसका काम का अनुभव हो, जिसने ITI अप्रेंटिस या कहीं जॉब की होगी, वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। आगे इसमें जो अदर डिटेल मांगी गई है उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे जो टोटल पोस्ट हैं इसके एक बार हम देख लेते हैं, तो जो जनरल कैटेगरी के लिए 275 पोस्ट है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 82 पोस्ट है, अनुसूचित जाति के लिए 83 पोस्ट है और अनुसूचित जनजाति के लिए 110 पोस्ट है। टोटल यहाँ पे 550 वैकेंसी है और ये जो वैकेंसी है ये यहाँ पे ऊपर नीचे हो सकती है, जो BHEL कंपनी के हिसाब से ये ऊपर नीचे वो कर सकते हैं। और इनमें से जो जितनी टोटल 500 पोस्टों में से यहाँ पे 4% यहाँ पे जो यहाँ पे आरक्षित के लिए आएगा, जो कि यहाँ पे पिछड़ा वर्ग अनुसूचित के लिए यहाँ पे निकाली गई है। यहाँ पे आपकी जो आयु सीमा गणना जो होगी, आपकी 31/3/2020 के हिसाब से आपकी आयु गणना यहाँ पे की जाएगी। जो सामान्य वर्ग या सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार हैं, उनकी न्यूनतम आयु 14 साल होनी चाहिए और अधिकतम के यहाँ पे 25 साल होनी चाहिए। यहाँ पे कुछ रिजर्वेशन ही मिलता है, जो एज रिलैक्सेशन का जिसमें छूट मिलता है, तो उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जो अनुसूचित जनजाति के कैंडिडेट हैं और उनको यहाँ पे 5 साल का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, यानी को 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। और जो नॉन क्रीमी लेयर के उम्मीदवार, उनको 3 वर्ष की यहाँ पे छूट मिलेगी। जो शारीरिक विकलांग व्यक्तियों को 10 साल के यहाँ पे छूट मिलेगी। और जो BHEL में जो कर्मचारी हैं, जो एक्स सर्विसमैन हैं, उनके अगर कोई बच्चे हैं तो उनको यहाँ पे 5 साल की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। तो चयन प्रक्रिया यहाँ पे रहेगी, जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, तो ये आपकी जो यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे मेरिट के हिसाब से आपकी यहाँ पे सिलेक्शन होगा, कोई यहाँ पे इंटरव्यू नहीं होगा। और मेरिट के बाद आपको यहाँ पे बुलाया जाएगा, मेरिट आपके मेरिट में सही मार्क्स होते हैं तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन, यहाँ पे आपको फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पे दी जाएगी। और जो आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगी, वो आपको यहाँ पे 7,000 रुपये प्रति माह आपको सैलरी मिलेगी,
जो कि यहाँ पे कौशल विकास उद्यमशीलता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अधिसूचना क्रमांक जो है शासनादेश 686 के अंतर्गत ये 25 सितंबर 2019 के आपको सैलरी मिलेगी। इसके अलावा आपको कोई भी अतिरिक्त लाभ या भत्ता नहीं मिलेगा। आपको यहाँ पे जो आपकी यहाँ पे जो चिकित्सा या स्वास्थ्य मानक है जो आपकी हेल्थ को लेकर है, तो इसमें आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए जो आपके हेल्थ वाला, और शारीरिक विकलांगता जो उम्मीदवार हैं जो आरक्षण उससे लेना चाहते हैं, तो जो इसकी जो परिभाषा है इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोटेक्शन राइट फॉर फुल पार्टिसिपेशन के अंतर्गत आपका कोई भी उम्मीदवार जो है 40% से ज़्यादा या उससे अधिक जिसमें मतलब शारीरिक विकलांगता हो वही उसी को ही आरक्षण का यहाँ पे लाभ मिलेगा जो दिव्यांगों के लिए आरक्षण है। यहाँ पे हमारे पास जो सवाल आता है कि आवेदन कैसे करें आप, तो सभी जो भी अभ्यर्थी हैं उनको आपको जो NCVT MIC पोर्टल है, गवर्नमेंट का पोर्टल है जो अप्रेंटिसशिप के लिए पोर्टल बनाया गया है, तो इस पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। www.ncvtmis.gov.in पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, और पोर्टल में जब आप जाएंगे तो आपको कैंडिडेट टाइप कॉलम में ITI पास चुनकर और अपना आधार कार्ड नंबर डाल के आपको दर्ज करवाना है, और NCVT जो पोर्टल है उस पर आपको अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन में करने के बाद आपका पंजीकरण नंबर आएगा, जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो आपको नोट करना है यहाँ पे। उसके बाद आपको जो NCVT MIC पोर्टल पर पंजीकरण करने के बाद आपको जो BHEL की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.BHELBPLCO.in पे आपको अपना यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है, जिसमें ट्रेड अप्रेंटिस कॉलम आएगा उस पर आपको अप्लाई ऑनलाइन करना है, उसको भरना है, और जो आपका पंजीकरण नंबर होगा वो आपको वहाँ पे डालना होगा, और वो डालने के बाद आपका वहाँ पे जो जो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए होंगे वो आपको वहाँ पे फिल करने होंगे। बात करें हम आगे अगर इसमें जो डिटेल है, और जो आप जब अप्लाई करेंगे तो आपसे जो जो डॉक्यूमेंट मांगे गए होंगे, और यहाँ पे ऑनलाइन जो होगा ये 6 जनवरी 2020 से 31 जनवरी 2020 तक ये ऑनलाइन एप्लीकेशन होते रहेंगे, और जो आपकी जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप होगी उसको आप संलग्न करके यहाँ पे डाक में आपको जो पोस्ट भेजना हो डाक में भेजना होगा 10/2/2020 में पोस्ट बॉक्स नंबर 35 पोस्ट ऑफिस पिपलानी BHEL भोपाल पिन कोड 4620 मध्य प्रदेश, यहाँ पे आपको ये पोस्ट करना होगा। आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो स्लिप आएगी उसको आपको ये जो एड्रेस दिया है मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ वहाँ आपको भेजना होगा, और इसकी जो तिथि ऑनलाइन अप्लीकेशन है 6 जनवरी 2020 से स्टार्ट हो जाएगा 31 जनवरी 2020 तक रहेगा, और ये आपको कुछ इसमें डिटेल ऑनलाइन भेजनी होगी, और ऑनलाइन जो आपको एक्नॉलेजमेंट स्लिप जो आपको मिलेगी वो आपको भेजना होगा, और बाकी जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट मांगे गए जो आपकी एक्नॉलेजमेंट स्लिप है वो आपको इसमें रखनी होगी। NCVT MIS पोर्टल रजिस्ट्रेशन का जो आपका नंबर पर्ची होगी वो आपको रखना होगा, आपका जो डेथ जन्म प्रमाण पत्र है 10वीं की कक्षा के अंक सूची वो आपको संलग्न करनी होगी, यहाँ पे भेजनी होगी। आपके जो डॉक्यूमेंट हैं वो आपको रखना होगा, जो भी आपने एजुकेशन तक की होगी, ITI NCVT प्रमाण पत्र आपको रखना होगा, मध्य प्रदेश के मूल निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की प्रति जो आपकी फोटोकॉपी होगी, और अनुसूचित जनजातियाँ जो अनुसूचित जनजाति आप हैं तो उसका प्रमाण पत्र आप रख सकते हैं अगर आप इस उससे बिलोंग करते हैं, जो जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे मांगे गए हैं। वैसे इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका जो नोटिफिकेशन है वो रख रहा हूँ, तो वहाँ से आप सारी डिटेल ले सकते हैं, वहाँ पे आपको ज़्यादा ये समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो को आप लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, ताकि आपके दोस्तों को भी इसका बेनिफिट मिल सके, और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, इससे आपको गवर्नमेंट जॉब की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी।